हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जराहट के हिंदी में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भूल कर भी ना करें माँ लक्ष्मी के इस स्वरूप की पूजा, नहीं तो आप हो जाएंगे कंगाल। आइए जानते हैं, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व होता है। अगर आप पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं तो इसकी वजह आपके घर में रखी देवी लक्ष्मी की मूर्ति हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा माता की कृपा पाने के लिए कई उपाय करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी लक्ष्मी को स्थापित करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी का वो स्वरूप जिस पर वह उल्लू की सवारी कर रही हो, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना धन लाभ की जगह धन हानि करवाता है। उल्लू स्वभाव से चंचल होता है, लेकिन उसे अज्ञानता और अंधकार का भी प्रतीक माना गया है। दूसरी चीज, वहीं अगर लक्ष्मी जी के उस स्वरूप की पूजा की जाए जिसमें वो विष्णु जी के साथ गरुड़ की सवारी कर रही हो, तो लक्ष्मी जी घर में आती हैं और वास भी करती हैं, इसलिए इस स्वरूप की आराधना करना बहुत शुभ माना गया है। अगली चीज, घर में बैठी हुई लक्ष्मी समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक होती है, जबकि कार्य स्थानों पर खड़ी लक्ष्मी का पूजन करने से व्यापार में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होने लगती है। अगर आपको अपने घर या दुकान पर लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर लगानी हो तो ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें देवी लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान हो। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि माता लक्ष्मी के किस स्वरूप की हमें पूजा करनी चाहिए जिससे वह हमें कंगाल से मालामाल बना दे, और दोस्तों और किस स्वरूप की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।